वेंटिलेटर पे हैं तो ऐसा नहीं कि उनके सेक्रेटरी नहीं है, उनका तबियत खराब है तो बहुत कुछ है। यहाँ विद्यार्थी वर्ग का तबियत खराब है तो कुछ नहीं होता है। एक तरफ झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो वेंटिलेटर पर हैं तो दूसरी तरफ उनका पुतला जलाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके वजह से उनको एयर एम्बुलेंस से चेन्नई भेजा गया था। वहीं राजभवन के सामने मंत्री जी का पुतला भी फूंका जा रहा है। बता देगी आने वाली बहाली में राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि विषय को शामिल नहीं किए जाने पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। वही जीएन भारत के सवाल पर उनका कहना था कि शिक्षा मंत्री वेंटिलेटर पर है तो इसका मतलब यह नहीं कि उनका सेक्रेटरी भी नहीं है। वह उस विज्ञापन को आने से रोक सकते थे और सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। वेंटिलेटर पे हैं तो ऐसा नहीं कि उनके सेक्रेटरी नहीं है, वो उस विज्ञापन को आने से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, उल्टा विज्ञापन जारी कर दिया। तो ये उनका जवाबदेही है, हमारा जवाबदेही नहीं है। उनका तबियत खराब है तो बहुत कुछ है। यहाँ विद्यार्थी वर्ग का तबियत खराब है तो कुछ नहीं होता है। ये पुतला दहन दो कारण से हुआ। पहली बात कि धरना देने के बावजूद और वहाँ सदन में एक प्रश्न हुआ, उसका अनदेखी करके जो शिक्षा सचिव यहाँ पे बहाली निकाले उसके खिलाफ में। और दूसरा ये है कि हम लोग पहले से हाईकोर्ट से आदेश दिया हुआ है कि जो 6 विषय छूट गए हैं उनको बहाल किया जाए 11 विषयों के साथ। ये दो कारण से आज पुतला दहन हुआ है, हेमंत सोरेन का और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का। रीजन और कुछ भी नहीं है। कोई खुशी खुशी किसी का पुतला दहन नहीं करता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।